आइकॉनिक अवार्ड है, कुछ आइकॉनिक ही होना चाहिए, यही उम्मीद है। अवार्ड मिलने वाला है ये तो मैं कैसे बताऊँ, लेकिन हाँ नॉमिनेटेड ज़रूर हूँ, सो होपफुली मिले, और मिलूंगी तो वापस आऊँगी आप लोगों से बात करेंगे। आइकॉनिक की बात करें तो सोशल मीडिया में एक आइकॉनिक मूवमेंट आया है जो काफ़ी चर्चा में, जो रिंग का, अगर आप बताना चाहोगे, जिसमें काफ़ी सारे कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों का नाम भी आता है, आप अगर काफ़ी जानना चाहोगे किस बारे में। रिंग वो तो एड शूट है ना यार, आई थिंक लोग जो वीडियो या पोस्ट देखते हैं उसके नीचे कैप्शंस नहीं पढ़ते हैं, कैप्शन इसलिए लिखे होते हैं ताकि आप लोग पढ़ो। बट काफी सारी चर्चा हुई आप दोनों के बारे में, मैंने कैप्शन पढ़ा था पहले, बट जो चर्चा होती है जो प्रियंकित करके जो हैशटैग प्रियंकित फैंस है उसको देखिए आप लोग क्या कहना चाहोगे, वो उम्मीद बढ़ जाती है। उम्मीदें तो नहीं पता, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बढ़ती रहती है, तो वो दोस्ती कायम है एंड टच वुड। हाँ, प्रियंकित फैंस और हमारे जितने भी फैंस हैं दे वर क्वाइट हैप्पी, पर उन्होंने शायद बाद में कैप्शन पढ़ा होगा, बट यस वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स गाइस, दैट इज इट। फिलहाल तो बारिश आ रहा है, फिलहाल कुछ ऐसा अगर जनरली कोई प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हम दोनों एज एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली। कब सुना रहे थे उनको तेरी शादी के बाद? यार मेरा, मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा कि हम दोनों आपको ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं क्या, अभी रुको ना, टाइम है बहुत, अभी नहीं पता कुछ, योर फ्रेंड्स। नहीं नहीं, वो हम पिकनिक पे गए थे, सबको कंफ्यूजन हो गया, हम पिकनिक मनाने गए थे, वहाँ पे उन्हें लगा हमारा म्यूजिक वीडियो आ रहा है। अच्छा, इट वाज जस्ट जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, शिवांगी जब वेरी स्वीट गर्ल, उसके साथ शूट करके बहुत मज़ा आया, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब शिवांगी और मैंने कोलैबोरेट किया फॉर सम प्रोजेक्ट, सो वी होप दैट गाना बहुत अच्छा है, एंड वी होप, वी रियली होप कि सबको पसंद आए गाना, एंड 12th को रिलीज़ हो रहा है, प्लीज़ वॉच एंड टेल अस। ऑफ़ होने की बात आई थी, देखिए गाइस मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, जब तक आपको कोई भी खबर, नॉट जस्ट रिगार्डिंग जमहूरियत बट रिगार्डिंग एनीथिंग, जब तक आपको कोई भी न्यूज़ एक रिलायबल सोर्स से ना मिले तो प्लीज़ उन पर विश्वास मत कीजिए, और रिलायबल सोर्स होता है उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग, जब तक उन प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से कोई खबर ना मिले तब तक किसी चीज़ में विश्वास मत कीजिए। गेट द हिंट, चलो थैंक यू, थैंक यू।